रांची रिम्स से दिल्ली के एम्स सेट किए गए आरडीडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लालू यादव की सेहत में सुधार बहुत धीमा है क्योंकि कोई क्रॉनिकल बीमारियों के साथ लालू यादव फिलहाल पल्मोनरी एडिमा से ग्रसित है। पल्मोनरी एडिमा की वजह से लालू यादव के फेफड़ों में अतिरिक्त द्रव जमा हो गया है। यह बीमारी निमोनिया के संक्रमण के कारण होती है। एम्स में लालू यादव का इलाज करने वाले डॉक्टर के साथ फिलहाल इसी बीमारी को ठीक करने में जुटे हुए हैं। लालू यादव की भी टेस्ट रिपोर्ट मंगलवार को सामने आई। रिम्स से एम्स शिफ्ट किए गए जाने के बाद फिर से उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया था। आरडीडी सुप्रीमो को फिलहाल कार्डिक इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है। एम्स के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश यादव उनका इलाज कर रहे हैं। साथ ही साथ अन्य विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर को भी मेडिकल टीम में रखा गया है। डॉक्टर राकेश यादव इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव का इलाज कर चुके हैं। CICU वार्ड में खास तौर पर उन मरीजों को रखा जाता है जो दिल के मरीज हैं और इंजाना समेत अन्य तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आरजीडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बाहरी लोगों से मिलने की मनाही रखी गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमने एहतियाती तौर पर लोगों से मिलना जुलना रोका है। डॉक्टर राकेश यादव के मुताबिक फिलहाल लालू यादव कुछ देर तक बातचीत करने और बैठने में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और अच्छी खबर ये है कि वो तो ना ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं ना ही वेंटिलेटर की ज़रूरत है। रिम्स में जब लालू यादव की तबीयत बिगड़ी थी तब उन्हें न्यूबलाइज करना पड़ा था क्योंकि सांस लेने में लगातार उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन एम्स में पिछले 3 दिनों से अंदर उन्हें सांस लेने की तकलीफ से राहत मिली है। हालांकि अभी भी लंग इन्फेक्शन मौजूद है और डॉक्टर धीरे धीरे इसे ठीक करने में जुटे हैं। वहीं एक तरफ उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कैंपेन शुरू कर रखा है। आज़ादी पत्र जो है वो राष्ट्रपति को देने के लिए पूरे बिहार से अपील की है। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से कहा है कि लालू प्रसाद यादव एक समाज के विचारधारा हैं तो उन्हें अब आज़ाद कर देना चाहिए। उनका कहना है कि इस घोटाले में जितने लोग भी जुड़े थे उन सब लोगों को बेल मिल गई, आखिर लालू प्रसाद यादव ही सिर्फ जेल में क्यों हैं। साथ में तेजस्वी, मीसा भारती और पत्नी राबड़ी देवी दिल्ली में ही मौजूद हैं। जहां लालू प्रसाद यादव एम्स में भर्ती हैं वहीं परिवार के 3 सदस्य लगातार लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं। समर्थकों की काफ़ी उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव जल्द ठीक होकर के उनके बीच आ जाएंगे। आप बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ।